नो या राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ने आदेश नहीं दिया है राम मंदिर के लिए, और इस ढंग का नैरेटिव सेट मत करो आप। और रह गई बात की आप जो टेंट की बात कर रहे हो, ताले हमने खुलवाए थे, बोलो ना, बोलने में डर क्यों लगता है? या पीएमओ से आता है मैसेज की ऐसे ही नहीं तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता है प्रभात जी, मीडिया ने सेट कर दिया, मुझे डर नहीं लगता है। मैं ताल ठोक कर कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी नहीं ताला खुलवाया, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर से भाग रही है। आप लोग नहीं क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आप लोग प्रभात जी क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं। आपको आगे बढ़कर क्रेडिट लेना चाहिए था कि हमने ताला खुलवाया, हमारी वजह से वहां पर राम मंदिर बन रहा है। आप नहीं खुलकर कह पा रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं खुलकर कह पा रही है। मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि राम मंदिर की चिंता क्या सब नहीं थी जब टेंट में रह रहे थे प्रभु राम? मैंने, अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे कि जब महाकाल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और पूरा कॉरिडोर ध्वस्त हो गया, पूछा आपने एक बार सवाल, पूछा प्रश्न आपने कि क्या क्या गलती हुई वहां पे? सुनिए सुनिए, महाकाल नाराज हो गए, सवाल पूछा, कल राम नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अनिला जी के पास जाता, लेकिन आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आपका एक प्रभात जी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आशुतोष दास जी, जरा प्रभात जी को बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है, मंदिर मंदिर का एक हिस्सा है, वो तैयार है, आधे अधूरे मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनको समझाइए जरा, हो सके तो शास्त्रों के हिसाब से समझा दीजिए। तो देखिए, शास्त्र तो ये समझ नहीं पाएंगे, प्रभात जी कांग्रेस के नेता हैं, इनको शास्त्र और सनातन से मतलब नहीं है, ये शास्त्र नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कांग्रेसी हैं और ये कांग्रेसाचार हैं। एक मिनट, मैं आपके बीच नहीं बोला हूँ, मेरे बीच मत बोलिएगा, ये कांग्रेसाचार हैं, ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का हो रहा है, रामलला की मूर्ति का हो रहा है, ना कि मंदिर का हो रहा है, ये लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ से जब सब कुछ चला गया, अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो ये कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस की आंखें कौवा की हो गई है, ये कौवा की तरीका फाड़ फाड़ देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके मुख पे कालिक लग गई है। भगवान श्री राम का मंदिर 550 वर्षों से प्रतीक्षित था, साल भर लग जाता था त्रिपाल बदलने में, टाट से जब ठाठ में आ रहे हैं। आशुतोष महाराज जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, जरा देश के दर्शकों को भी, फिर मैं सीधे अनिला जी के पास चला जाता हूँ कि गर्भ, अरे रुक जाइए, मैं आपकी, अरे मत तय करिए, साधुओं की भाषा आप मत तय करिए प्रभात जी, प्लीज, और सुनिए सवाल और जवाब सुनिए जो आपने सवाल किया था। आशुतोष महाराज जी, सिर्फ एक चीज बताइए, क्योंकि आप धर्म के ज्यादा जानकार हैं, हम में या जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या गर्भगृह तैयार है? तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, नहीं हो सकती है, बावजूद इसके कि मंदिर का पूरा भवन नहीं तैयार है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, मैं अयोध्या वासी हूँ और मैं कम से कम जब मंदिर बन रहा था, कम से कम दसियों बार जाकर के मंदिर का निरीक्षण किया हूँ, मैं नहीं, अयोध्या का पूरा साधु समाज, संत समाज, विद्वान समाज सब जाकर के निरीक्षण किए हैं, और गर्भगृह तैयार है, और जब भगवान का गर्भगृह ही मूल होता है प्राण प्रतिष्ठा में। ठीक है, चलिए, अब प्रभात जी आप नहीं समझना चाहें, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी होगी सर, टेंट में भगवान रह रहे थे, टेंट में पूजा पाठ हो रही थी, ठीक है, नहीं, मेरी नहीं है, उसमें आपके हिसाब से नहीं बिठाना चाहिए भगवान को, तो सर आप अपनी सोच को दुरुस्त करिए थोड़ा सा, भी नैरेटिव सेट कर दो ना, नहीं चलिए ठीक है, आने ला दिया बनाओ, नहीं नहीं हमने, हम कौन होते बनाने वाले, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ये आपका ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अनिला जी, ये सीधे तौर पर क्या चुनाव का असर है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये बीजेपी का इवेंट है, बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शंकराचार्य जो संजय राउत ने तंज कसा। मेरी सबको राम राम, और देखिए ये वही लोग हैं जो निरंतर कह रहे थे हमको तो बुलाया ही नहीं, और जब निमंत्रण पहुंच गया तो अब कह रहे हम तो नहीं आएंगे। अरे आप लोग रावण प्रेमी हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जब भी हवन पूजा जब भी हुआ करती है, पहले भी ये और अब भी, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग डालने का पूरा प्रयास बता रही है, तो जो प्रवृत्ति जो है उससे अलग नहीं हो सकते ना, तो सीधी सी बात है, राम भक्त जो हैं इंतजार कर रहे थे 22 जनवरी को जो है दिवाली मनाएंगे, और जो रावण प्रेमी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो विदिन
उत्पन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे और माहौल को खराब करने की पूरी ताकत लगाएंगे। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत वो तीर्थ है जहां राम बसते हैं, भारत से राम है, राम से भारत है, तो ना आप राम के हुए ना आप राष्ट्र के हुए, अरे किसके हुए? हम भूल जाएंगे सोमनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो नेहरू जी की क्या बयानबाजी थी, नेहरू जी ने कितना बड़ा विरोध किया था। हाँ, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने यह कहा कि पूरे विश्व में वहां की जो पवित्र नदियां हैं वहां का जल और मट्टी आए तो प्राण प्रतिष्ठा में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझिए, पानीकर जो थे वो चीन के एम्बेसडर थे, नाक के बाल थे नेहरू जी के, उन्होंने कहा क्या तमाशा है, व्हाट इज दिस, हाँ पूरा इंडिया का तमाशा बना के रखेंगे, जगह जगह से पानी और मिट्टी आएगी, बिल्कुल नहीं नेहरू जी मना कर दीजिए। ये वो लोग है, ये तो भला हो राजेंद्र प्रसाद जी का कि सोमनाथ मंदिर में बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई। नेहरू जी कह रहे थे 5 लाख रुपया, देश गरीब है, प्राण प्रतिष्ठा में लग जाएगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देवी देवताओं के विरोधी कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस पार्टी के गर्भ से पैदा हुई हर राजनीतिक दल की यही विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने आ रहा हूं अनिला जी।